थोड़ा सा ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो जो प्रोडक्ट चाहिए थी वो हमने सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब सिंपल ऑपरेशन हमारा दूसरा ये होता है कि फर्ज करें हमें एक नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हम एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे अगेंस्ट डेटा बेस, हम लिंक यूज़ करना चाह रहे। तो जब आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो हम आपने देखा कि नॉर्थ विंड की यहाँ पर इसने डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई है। इसने ना सिर्फ नॉर्थ विंड डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाई है बल्कि जितने टेबल्स आपने ऐड किए हैं अपने मैपर के अंदर डिज़ाइन सरफेस पे, उन सारों की भी क्लास बनाई है। तो अगर हमें एक नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो अभी देखिए यहाँ पे नई प्रोडक्ट की क्लास मौजूद है, माय न्यू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और हर कॉलम की प्रॉपर्टी मौजूद है। अब हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, हम इसका नाम दे देते हैं IBM लैपटॉप, माई न्यू प्रोडक्ट डॉट यूनिट प्राइस हम इसकी कर देते हैं 499। अच्छा जी, ये हमने ऐड कर लिया। ये ऐड करने के बाद अब हमारे पास इस वक्त जो है प्रोडक्ट का एक इंस्टेंस बना हुआ है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी है, प्रोडक्ट नेम उसमें है, यूनिट प्राइस है, बाकी फील्ड्स हम ऐड नहीं कर रहे टाइम को कंज्यूम सेव करने के लिए। अब हमने देखना है कि इसको हम अपलोड कैसे सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो SQL इंसर्ट देख रहे हैं किस तरह यूज़ होती है। तो अब हम अपने नॉर्थ विंड डेटा कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करते हुए इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर एक मेथड मिलेगा आपको इंसर्ट ऑन सबमिट और एंटिटी एज प्रोडक्ट, एंटिटी एज प्रोडक्ट। एंटिटी क्या चीज़? ये जब आपने जितने भी अभी डिज़ाइन सरफेस पे टेबल्स डाले थे ये रिलेशनल टेबल्स को उसने एंटिटीज कन्वर्ट कर दिया, एंटिटी एज प्रोडक्ट, यानी कि ये वाली एंटिटी और इसकी टाइप प्रोडक्ट है। तो माय न्यू, और डेटाबेस में अभी कोई चीज़ गई नहीं है, ये टाइप करने के बाद भी डेटाबेस में अभी कुछ गया नहीं है। अब डेटाबेस में कैसे जाएगा? माय नॉर्थ विंड डॉट सबमिट चेंज, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अब हम डेटाबेस को ज़रा चेक करते हैं।
सही है, पेज लोड हो गया यहाँ पे, क्योंकि कोई ग्रिड व्यू नहीं है, कोई हमने स्टेटस मैसेज नहीं दिया। इसको बंद करते हैं और अब हम अपने डेटाबेस को चेक करते हैं प्रोडक्ट्स को। और प्रोडक्ट में आप देखें IBM लैपटॉप ऐड हो चुका है विद प्राइस ऑफ 499। सही है। अच्छा, अब हम अगर चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक, अब हम ज़रा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि जो चाय की प्रोडक्ट है इसकी यूनिट प्राइस 18 है, इसको चेंज किया जाए तो कैसे करेंगे, यानी कि अपडेट ऑपरेशन जो SQL का होता है वो कैसे किया जाएगा। बेसिकली चलें हम फिर वही करते हैं, नया वेरिएबल इशू करते हैं माई नॉट विंड द कॉन्टैक्ट डॉट प्रोडक्ट्स वेयर माई चाय डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू चाय सेलेक्ट माई चाय। ये तो आपकी रेगुलर क्वेरी है। अब इसको हम अगर अभी यहाँ पे क्या होगा, इसने एक प्रोडक्ट रिटर्न तो कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखें माय चाय प्रोडक्ट का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हम डेटा किस तरह, प्रॉपर्टीज जैसा आपने देखा एक्सेस होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर ईच का स्टेटमेंट लिखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम्स और क्वांटिटी और ये सारी अवेलेबल हैं, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि इवन तो यहाँ पे आप डेटाबेस में तो चाय की प्रोडक्ट के नाम से एक ही शायद हो, लेकिन यहाँ पे जो ये रिटर्न कर रहा है वो एज अ कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, क्वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। इसको हमें बेसिकली सिंगल रिजल्ट चाहिए ताकि हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकें, हमें फॉर ईच के थ्रू मैनिपुलेट ना करना पड़े। इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन मेथड होता है सिंगल का, हम वो इधर लगाएंगे। अब यहाँ पे एक रिजल्ट रिटर्न होगा और हम प्रोडक्ट नेम, अब आप ये देखेंगे पहले ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, प्रोडक्ट नेम और ये सारी जितने कॉलम है नहीं आ रहे थे। अब हम इसकी यूनिट प्राइस को कर देते हैं जी 18 थी 300 कर देते हैं और नॉर्थ विंड डेटा कॉन्टेक्ट और सबमिट की। अब जब आप पेज रन करेंगे उसके बाद डेटाबेस के अंदर चेंज हो चुकी होगी। ओके जी, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है डेटा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम शो टेबल डेटा करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे चाय की प्राइस 300 हो चुकी है। सही है जी। तो बेसिक ये ऑपरेशंस थे लिंक के, जो कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, न्यू सेलेक्ट करना था। तो लिंक एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिस पे हम आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम की वजह से और यूट्यूब की लिमिट की वजह से मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करूँगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में इसको और फर्दर देखेंगे, एडवांस क्वेरीज करेंगे और क्या क्या हो सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।